Assalamualaikum, की प्यारी सी फैमिली वेलकम बैक टू लाइफ आई होप सभी खैरियत से ही फिट एंड फाइन ही अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी एकदम खैरियत से ही मजे में ही अल्लाह तला के एहसान से और आप सबकी दुआओं की वजह से तो फ्रेंड्स आज है संडे तो आज इफ्तार के टाइम से मैं मेरा ब्लॉग बनाना स्टार्ट करी और मैं सोची कि आज समोसे बन रही तो क्यों ना तो तुम्हारे सबके साथ इसकी रेसिपी शेयर करेंगे जो बहुत ज्यादा अमेजिंग बनती है तो तुम्हें भी इसे जरूर ट्राई करो तो ये होम मेड समोसे ही सच में तुम्हें मानो न को मानो लेकिन ये सच में बाहर जैसे समोसे जो स्ट्रीट स्ट्रीट

मिर्च उसे भी हमें बरीकी से चॉप करके ऐड करें जो कुछ भी इंग्रेडिएंट्स ही जैसे कि हमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करें टर्मरिक रेड पाउडर सॉल्ट ये सब कुछ जो है सेम तो इधर हमें आटा गूंद को ऑलरेडी हमें इधर रख को ही क्योंकि हमें आटा इधर हमें गूंदने के टाइम में क्या करी थी इधर हमें मैदा लिए थे अगर हमें गेहूँ लेते तो उसमें हमारे जो समोसे ही एकदम जो है डार्क कलर हो जाते तो कलर हो जाते थे तो इधर हमें मैदा लेकर ही मैदे में मैं ऐड करी थी हाफ जो है हाफ से भी कम छोटा छोटा सा ग्लास था उसमें हमें मिल्क ऐड करी थी मिल्क ऐड करने के बाद ऑयल ऐड करी ऑयल ऐड करने के बाद जो हमारा सॉल्ट है वो ऐड करी सेल सॉल्ट टू टेस्ट ऐड करी सेल नहीं सॉल्ट टू टेस्ट ऐड करी तो मैं अच्छे से मिक्स करके उसे अच्छे से घून ली गून को हाफ एन आवर इसमें मैं ऑयल ऊपर जो है ग्रीस करके मैं रख डाली थी तो मैं इधर देख रही कि हमारा जो हमारे जो रोटी है उसे मैं बेल को रोल कर को उसे मैं कैसे इधर बॉक्स टाइप में जो समोसा पट्टी है वैसे टाइप में बना

बना ले को थी तो तार का टाइम था तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं तुम्हारे सबके साथ जो है वो शूट कर को शेयर कर सकूं तो यहाँ मैं सबको तुम ना दिखा देती जल्दी जल्दी मैं ये सब कुछ बनाए तो आज बहुत ज़्यादा टाइम भी होगा था और आज जो है हमारे दसर खान भी जो है अच्छे से हमें अरेंज नहीं कर पाए थे तो जल्दी जल्दी में कुछ भी अच्छे से नहीं हुआ था हमारे इधर समोसे बनाने में मुझे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई थी ये बनाने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टिख्या लेकिन बाद में जो है जब मैं स्टार्ट करी तो एक सेवन एट समोसा बनाने के बाद मुझे जब बना बना को खत्म हो है तो तब मुझे ईजी दिखा तो इसके बाद हमारे समोसा जी वो लाइट जो है लाइट गोल्डन होने तक हमें वेट करेंगे वेट करने के बाद हमारे इधर से इफ्तार का टाइम हो रहा है था हमारा संडे का इफ्तार है, जो कि हमें बिल्कुल भी अच्छे से कुछ भी अरेंज नहीं करे थे हमारा शरबत ये सब कुछ जो है हमारे फ्रिज में था तो कुछ भी हमें अच्छे से अरेंज करें नहीं हुआ था तो इसके बाद सबकी कैसी अब जो हमारे रोज़ा ही वो सिर्फ फ़ोटीन या फिर फोर्टीन भी नहीं आज सेवनटी को मैं तुम्हारे सबके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा ब्लॉग तो हमारे रोजे सिर्फ थर्टीन या फिर ट्वेल्व ही तो सबकी शॉपिंग कैसी चल रही है और हमारी शॉपिंग तो अलहमदिल्ला होगी तो मैं सबको मालूम मेरे ब्लॉग्स में देखे तो तुम्हारी सबकी शॉपिंग कैसी चल रही है इतने कुछ खास जो है मार्केट में कुछ भी ऐसे खास ड्रेसेस नहीं आ कोई जब भी एवरी ईयर बिफोर लॉकडाउन जब आते थे ड्रेसेस तो एकदम सबको सेम सबके सेम रहते थे, थे ड्रेसेस जैसे कि मार्केट में सिर्फ एक ही ड्रेस का बहुत ज़्यादा शोर रहता था जैसे कि अनारकली का ड्रेस और मस्तानी का ड्रेस तो ऐसा सब भी सेम ड्रेसेस लेते थे तो यहाँ जो है मैं समोसा और जो हमारा आज से किए की, की आज बनाए थे तो मैं तुम्हारे सबके साथ शेयर करने का सोची लेकिन आज बहुत ज़्यादा टाइम होगा था मैं बिल्कुल भी शेयर नहीं कर सकी वो समोसा की रेसिपी भी जो है आ, अच्छे से वो सिर्फ वो शेयर कर रहे थे मेरा जो है टाइम इधर निकल गया था तो इन नेक्स्ट रमज़ान से पहले ही तुम्हारे सबके साथ मैं उसकी रेसिपी शेयर करने की जरूर कोशिश करती हूँ तो इधर हमारा डिनर होगा था डिनर बने थे सीख कबाब और चार और यह होगा था हमारा नेक्स्ट शायरी का टाइम और मैं और अम्मी इधर तहजुद को उठ गए थे उठने के बाद इधर अम्मी की चाय भी बन रही है तो हमें तुम्हें सबको क्या बोली थी कि हमारे सारे ड्रेसेस जो है जब भी मस्तानी का या फिर अनारकली जो कुछ भी ड्रेसेस आते तो हमें जिद कर को अम्मी के पास हमें बोल को रहते थे कि नहीं हमें भी ये होना यही पहनती हमें भी तो सब भी बिल्कुल सब भी सारे जितने भी रहती सब भी वैसे ही पहनती थी ड्रेसेस तो सबके सेम हो जाते थे ड्रेसेस सिर्फ कलर्स अलग रहते थे तो ऐसा जिद कर को हमें लेते थे लेकिन अभी जब बड़े हो गए तो ऐसा कुछ भी ज़्यादा नहीं रहता सिर्फ जब हमें छोटे रहती तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है ड्रेसेस का मेहंदी का तो अभी तक कुछ खास नहीं रहता सिर्फ जब भी मैं ड्रेसेस पहनती हूँ तो सिर्फ घर में ईद होती है फिर हमारे नानी के यहाँ पप्पू के यहाँ मामा के यहाँ जाती हूँ तो वहाँ जो है वहाँ से हमारी ईद ख़त्म हो जाती है तो अच्छी अच्छी ईदी भी मिलती है तो इसके बाद फ्रेंड्स मेरा अलहदुल्ला आज कुरान भी हुआ था तो उसके बाद मैं न्यू कुरान नवा कुरान भी स्टार्ट कर डाली थी तो देखेंगे इन वो कब होता है तो मैं छब्बीसवीं से पहले जो है ख़त्म से पहले दो कुरान कंप्लीट करना ऐसा सोच लेकूँ तो कुरान पढ़ने के बाद हमारी इफ्तार का टाइम भी होगा था लेकिन आज लेकिन आज की जो रेसिपी है आज नहीं शेयर करी बिकॉज और ऑलरेडी मैं शेयर कर ऐसा लग रहा है बनजे जो कि बने थे चने की दाल के वड़े बहुत ज़्यादा अम्मी अच्छे बनाती तो इसके साथ साथ मेरा कुरान कंप्लीट होने की खुशी में इधर बना रही सीवियों का मीठा बना रही तो इसके साथ साथ ये मई बने खड़को तो ये बनाने के बाद इसकी रेसिपी भी, भी शेयर करेंगे ऐसा सोची लेकिन ऑलरेडी मेरा ब्लॉग्स भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया लेकिन मैं इसे एडिट कर कर को जैसे मैं छोटा बनाई तो इसके बाद हमारा इधर टाइम भी होगा था इफ्तार का तो इफ्तार के साथ इधर हमें सारे सभी बैठ को इधर अलहदुल्ल इफ्तार कर रही अल्लाह सबके घरों में ऐसी ही बरकत दे आमीन और इस बार के जो रोजे ही रमज़ान बहुत जल्दी जा रही फ्रेंड्स तुम्हें भी ऐसा लग रहा है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बोलो सिर्फ या मंझे लग रहा है कि इतना जल्दी जल्दी जा रही Uh, सिर्फ सिर्फ दो दिन हुए थे कि मैं बोली थी थर्टीन रोजे आज कंप्लीट होए अलहमदिल्ला ऐसा बोली थी लेकिन आज जो है सेवेंटीन रोजा कंप्लीट होगा मैं तो एकदम शॉक होगी सोच को आज मैं पूछ को थी कि अम्मी को आज कितना रोजा अम्मी तो अम्मी बोले सेवनटीन रोजा आई वॉज शॉक तो आ, कुछ भी नहीं ऐसा हम सबकी अच्छी सेहत और आफियत की बस दुआ करेंगे तो आज का मैं वीडियो है एंड करने लगी हूँ तो इनशाला नेक्स्ट न्यू ब्लॉग में जरूर मिलेंगे लव एंड पॉजिटिविटी स्टे होम स्टे सेफ खुश रहो खुश रखो में याद रखो अपना और अपने अपने का ख्याल रखो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करो तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफि